बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पीपीएससी ई स्टडी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ जो स्टार्ट की हुई है उसकी आज नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर के जो पीपीएससी के एग्ज़ाम में पेपर आ चुके हैं, क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनको वन लाइनर स्टेटमेंट की सूरत में इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी इज़ नाउन एज वर्चुअल पेज। वर्चुअल मेमोरी को वर्चुअल पेज भी कहा जाता है। NOS रेफर टू ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ नेटवर्क। नेटवर्क के ऑपरेटिंग सिस्टम को रेफर करता है NOS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इन EBCDIC ईच करेक्टर इज डिनोटेड बाई 8 बिट्स। ये जितने भी करेक्टर हैं, एक वर्ड जो अल्फ़ाबेट हैं, ये डिनोट कर रहे हैं 8 बिट्स को, और 8 बिट जो होता है एक बाइट के इक्वल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, डायोड्स आर यूज्ड इन एनालॉग कंप्यूटर्स सर्किट एज अ लिमिटर। डायोड्स जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज़ होते हैं एज अ लिमिटर के तौर पे। नेक्स्ट है, वेटवेयर स्टैंड फॉर एनी ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस। वेटवेयर कहाँ स्टैंड होते हैं? ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस के लिए। नेक्स्ट है, गीगो स्टैंड फॉर गारबेज इन गारबेज आउट। ये एब्रीवेशन भी पूछी जाती है, तो गारबेज इन और गारबेज आउट। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लैप आर काउंटर्स शिफ्ट रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र रजिस्टर, ये इसकी है। नेक्स्ट है, बूटस्ट्रैप इज़ एसोसिएटेड विद कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 45, फोरट्रॉन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ये फर्स्ट लैंग्वेज थी, प्रोग्राम लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज थी, तो ये स्टैंड फॉर है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अ ग्रुप ऑफ करेक्टर दैट इज़ टर्म्ड एज अ सिंगल आइडेंटिटी इज़ कॉल्ड वर्ड। क्लिप चार्ट इज़ अ कंप्यूटर प्रिपेयर्ड आर्ट। क्लिप चार्ट जो है कंप्यूटर में ऑटोमेटिक जो प्रिपेयर्ड चार्ट्स होते हैं उसमें से एक है क्लिप चार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, मार्क सेंसिंग इज एन अदर टर्म ऑफ OMR। मार्क सेंसिस क्या है? एक दूसरा नाम है OMR का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ऑथोराइजेशन टू मेक मल्टीपल सॉफ्टवेयर कॉपीज इज कॉल्ड साइट लाइसेंसिंग। उसको साइट लाइसेंसिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, एंटीवायरस इज आल्सो नाउन एज वैक्सीन्स। उनको वैक्सीन्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, फ्री सॉफ्टवेयर इज आल्सो नाउन एज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर जो भी आपको किसी भी साइट से अगर मिलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर, तो उनको पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, इन कंप्यूटर्स DFD स्टैंड फॉर डेटा फ्लो डायग्राम। DFD को डेटा फ्लो डायग्राम कहा जाता है। साइबर स्पेस इज कॉल्ड टू वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर। साइबर स्पेस वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर इसका नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट डज द सन इन सन माइक्रो सिस्टम्स। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है, उसमें जो सन है वो स्टैंड फॉर क्या है, ये क्वेश्चन था। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क इसकी एब्रीवेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डज इंटेल स्टैंड फॉर? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है, ऑल पीसीज हैव अ BIOS। व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इसकी एब्रीवेशन काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुकी है क्वेश्चंस में। तो BIOS की एब्रीवेशन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एन इंटीग्रेटेड सर्किट आ चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉमन नेम है चिप।
नेक्स्ट है इन WWW टर्म व्हाट डज मीन ऑन डोमेन नेम आयरलैंड। अच्छा ये कुछ समझ नहीं आ रही थी तो ये जस्ट ऐड है, इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कमर्शियल मिनी कंप्यूटर 65, डेक। उन्होंने पहला मिनी कंप्यूटर बनाया था 65 नाम डेक ने। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट वेब ब्राउज़र पब्लिकली अवेलेबल NCSA मोज़ेक। ये वेब ब्राउज़र था जो पहली मरतबा फर्स्टली पब्लिकली अवेलेबल हुआ था। नेक्स्ट है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इज कॉल्ड ASCII वाइट, उसका नाम है ASCII वाइट। वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड इन 1993 बाय टिम बर्नर्स-ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WWW जो है वर्ल्ड वाइड वेब कब इन्वेंट हुई थी 1993 में और किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट है द बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डिवेल्प्ड बाय कैन थैम्पसन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट कमर्शियल प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कंप्यूटर इन 1951 वाज यूनिविक। ये कमर्शियली प्रोड्यूस हुए थे और सेल हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हैवी कंप्यूटर टू पीसीज वाज मेड पॉसिबल यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर्स। हैवी कंप्यूटर्स जो थे, बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, उनको पीसीज की शेप में लाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए हैं और उनकी वजह से इनका साइज़ बहुत स्मॉल हो गया है आजकल के दौर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप्ड इन 1971 बाय इंटेल। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये 1971 को डेवलप हुआ था और ये किसने किया था, इंटेल ने। नेक्स्ट है अ पेंटियम 4 इम्प्लॉयज रफली 40 मिलियन ट्रांजिस्टर। पेंटियम 4 में 40 मिलियन ट्रांजिस्टर थे, ये रफली आइडिया उनका, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मार्क 1 एंड एप्पल 1 एंड क्लोसस वर इनिशियल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ये इनिशियल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे, ये जो तीन इसने बताए हैं स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, बाइनरी डिजिट्स आर ब्रीफ्ड एज बिट। बाइनरी डिजिट्स को बिट कहा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ बिट्स इज कॉल्ड बाइट। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, द फर्स्ट होम कंप्यूटर 1977 में विच वाज सोल्ड इन मिलियंस ऑफ यूनिट्स वाज एप्पल टू, उसका नाम था एप्पल टू। पी रैम इज अ सुपर कंप्यूटर। पी रैम नहीं है, ये है पैरम, PARAM इज़ अ सुपर कंप्यूटर। ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।